हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग सब? आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज हम सीखने वाले हैं सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। इस भजन के अंदर कितने तरीके से हम पैड का प्रकर्शन प्ले कर सकते हैं। ऑल राइट, तो कम से कम इसमें 7 से 8 वेरिएशन आज सीखने वाले हैं। आई होप कि आपको सारे वेरिएशन समझ में आएंगे और पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो आप लोगों को कमेंट करके मुझे बता देना। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपको समझ नहीं आती है कोई भी वेरिएशन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। जस्ट इस वीडियो के बाद मैं इसके अगली वीडियो अपलोड करूंगा। जितने वर्षन आज आप लोगों को सिखाऊंगा उसमें सबका यूज़ करके दिखाऊंगा भाई, ठीक है? तो आई विश कि आप लोगों को ये सारे अच्छे लगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं 6/8 के वर्षन। देखिए, वर्षन सारे सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं। हो सकता है आप लोगों को ईजी लगे, बट हर एक वर्षन का फील अलग है। अलग प्रकार से हर एक सॉन्ग को यू नो कि प्ले किया जाएगा। सॉन्ग अकॉर्डिंग हर एक वर्जन का यूज है। और सबसे अच्छी बात कि आप एक सॉन्ग में 4 से 5 वर्जन दिखा सकते हो आराम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वर्जन, अगर इसे स्लोली समझे तो बस मेन पैटर्न जो है वो ये है। और याद रहे, आप प्ले करते टाइम फ्लो में ना भए, 6/8 बीट को 6/8 रहने दें, कभी 4/8 इसका यू नो कि फील चेंज हो जाए, ठीक है? तो वर्जन नंबर 2, आपको यू नो कि उसका भरा भरा डालना है तो आप फर्स्ट स्ट्रोक पर यहां नाइट करके इसके साथ में ये रख सकते हैं, ठीक है? वापस से ऑलराइट, नेक्स्ट वेरिएशन। इन सारे वर्जन का अपोजिट भी कर सकते हैं। जो चीज मैं पहले प्ले कर रहा हूं आप वो सेकंड भी प्ले कर सकते हैं। जैसे कि आप इसे चाहे तो पहले कर सकते हैं, जैसे कि ओके, इट्स डिपेंड ऑन सॉन्ग और सॉन्ग का फील, उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट, अपोजिट करें इसका रिवर्स। तो आप इसका यूज भराव के लिए कर सकते हैं, जहां पे आपको ज्यादा भराव डालना है, ठीक है? बाकी परकशन में आप सिंपली ले कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इसमें और एड ऑन करना चाहते हैं एक और एक दो चीज, तो हम इसमें यू नो कि ढफका इसमें फील दे सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, हम इसके साथ भी इसे यूज कर सकते हैं। इसमें हम सम डबल दे सकते हैं, चाहे तो इसे बीच में ले सकते हैं सेकंड टाइम पे, ठीक है? और इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे वर्जन में आप प्ले कर सकते हैं। आप पहले से यूज कर सकते हैं, बाद में यूज कर सकते हैं। जैसे इसका एक और वर्जन आप कर सकते हैं, यू नो कि वेरिएशन। अभी हम करते हैं सेकंड टाइप, जैसे जो कि होगा डायरेक्ट। ओके,
हेल्प करने के लिए। ऑलराइट, इसका सेकंड वर्स ऐसे कर सकते हैं। और इसमें अगर मैं यू नो कि लाइक तिहाई अगर लगानी है तो या फिर ऐसे भी। आई होप आपको ये वेरिएशन समझ में आए होंगे और पसंद आए होंगे। और अगर कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया है, पसंद नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट कमेंट कर दीजिए। और अभी देख लेते हैं जल्दी से पैच की एडिटिंग। तो देखिए, अब देख लेते हैं जल्दी से इसकी एडिटिंग। सबसे पहले बेसिकली करना क्या है कि सबसे पहले चेक करेंगे एफएक्स। एफएक्स मैंने रिवर्ब दिया हुआ है। ये वैसे मैंने इसकी एडिटिंग ऑलरेडी बताई हुई है, बट मैं एक बार नए यूजर्स के पर्पज से फिर भी बता रहा हूँ एक बार वापस से, ठीक है। तो ये वो हमारा एफएक्स 29 नंबर का, और ये इसके अंदर की एडिटिंग। अभी बात करते हैं किस पैड का कितना एफएक्स लेवल मैंने रखा हुआ है, तो ये आप लोग चेक कर लीजिए यहाँ से पॉज करके वीडियो को। और अभी बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट चेक करेंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट लेवल लेयर में आप लोग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट पैड नंबर 1 यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा होगा, ठीक है। ये पैड नंबर 1 है, ये इसके इंस्ट्रूमेंट पैड नंबर 2, इंस्ट्रूमेंट 3, 4, ये 5th नंबर, 6th नंबर, 7th नंबर और ये फाइनल पैड 8th नंबर। और राइट, तो अभी देख लेते हैं इसके अंदर के एडिटिंग। फर्स्ट पैड, ये मैंने ट्यूनिंग आप लोगों को दिखा रहा हूँ कितनी किसका लेवल सब कुछ क्या रखा हुआ है, ठीक है। पैड नंबर 2, 3 नंबर, पैड नंबर 4, पैड नंबर 5, 6 नंबर, 7 नंबर और फाइनल पैड 8 नंबर। आई होप आपको एडिटिंग और प्लेइंग सब कुछ समझ में आई होगी। और कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर